शायद ही लाइफ में इससे ज़्यादा थ्रिलिंग वाली जगह मैंने देखी होगी. ओनली आई कैन फील व्हाट आई एम फीलिंग नाउ. दिस इज द एक्चुअल लास्ट फेंसिंग ऑफ इंडिया एंड इट्स मेंशनड ओवर हियर आल्सो. देखने में आप सिविलियन के लिए बहुत कुछ है, मगर है सेंसिटिव लगता है, सेंसिटिव है, इसलिए तो लोग ज्यादा आने नहीं देता हूँ. कोई ना कोई खुद ना फंसता, कभी कोई लोग का मूड खराब हो गया, कोई फायरिंग कोई दिन कम गया. आप तो डेली जान की बाजी लगाते हो, एक दिन लगा रही है तो क्या हो गया. जब भी उनसे मुलाकात करनी हो, बातचीत करनी हो, तो उसी का पिलर पे जाके बातचीत करते हैं. पिलर के इस पर वो खड़े रहेंगे और पिलर के इस पर हम खड़े रहेंगे, जैसे कि अभी हम आप हैं. ये पिलर अपना यही है? नहीं, पिलर दोनों का है. आधा मेंटेनेंस वो करते हैं, आधा मेंटेनेंस हम करते हैं. वो व्हाइट स्टोन वाले एक एक सनसेट होता जा रहा है और फिर वही बोरिंग लाइफ, वही बोरिंग दिन, वापस उसी लाइफ में पहुंच जाएंगे जहाँ से थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट, थोड़ी सी आज़ादी लेने के लिए यहाँ आए थे. कल भी ये स्टेयरिंग हाथ में होगा, परसों भी होगा और दो दिन बाद भी होगा, लेकिन तब चला रहा हूँ काम पे जाने के लिए और आज चला रहा हूँ घूमने के लिए. टैनोट माता से परमिशन मिल गई है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जाने की. अंकित दिखाओ परमिशन. परमिशन यिप्पी, सो वी आर गोइंग टू द बॉर्डर. यो चलो, वी आर गोइंग टू बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर. जय हिंद. जय हिंद. हाउ आर वी विल डू जय हिंद? Yes, good, good. Vande Mataram, 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 Vande. डबल आगे फिर ब्लड ग्रुप, जैसे इनका था ए पॉजिटिव, ए और पॉजिटिव मतलब वो प्लस साइन बना. देखा, आइडेंटिटी इन लोगों की सिर्फ इतनी होती है, नाम से भी ज्यादा ब्लड ग्रुप की. बस यही इंसान के लिए जरूरत है, जान बचाना. अजीब सा लगा यार एक नाम से. Yeah.
बंकर, बंकर आर्मी के बंकर। आई होप ये दिखेगा यहाँ, ये एक बंकर, एक ये दूसरा बंकर, यहाँ ये वाला एक बंकर हो रहा, शायद जूम नहीं हो रहा, एक जगह ये रहा, एक बंकर ये रहा, ये दोनों बंकर हैं, ये रहे एक बंकर, देखो वो वाला वो टूटा हुआ है, ये भी है बंकर, ये भी टूटा हुआ है, पूरी छत उड़ी हुई है, एक इन झाड़ियों के पीछे, एक वो दूर बंकर हो रहा, एक समथिंग इज देयर, कैन यू सी, व्हाट इज इट, so many camels, oh my god Havi, camels camels go in upside beta, jungle wale camels hain ye, jungle camel, yes camel family, mamma camel, papa camel, baby camel, beta camel family hai complete, what happened army, you pick up, where? Water test. This is border. Water? Yes. इंडिया लिखा है ना, और किसी 609 को कैप्चर करना, हाँ 609 जो है ये, यही लास्ट इसका वो है, हाँ क्या आपने ठीक है, ये 609, ये 609 से हमारा वो है, इंडिया इंडिया से, इंडिया का जो मतलब वो पिलर है, हाँ। वो उधर से पाकिस्तान हो जाता है, इधर से इंडिया हो जाता है, वो बिलाल पोज है, वो पाकिस्तान का पोज है, वो जो उधर दूर दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट, हाँ वो उन लोगों का पोज है, ऐसे करके इधर जैसे उसकी पीछे हमारा पोज है, वो हाँ। जो पीछे जो दीवार दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ हाँ, वो येलो वाला, येलो वाला तो ओपी पॉइंट है, ये अच्छा। सामने जो दीवार दिखाई दे रहा है ना वो, ये अच्छा हाँ दिखा दिखा, वो हमारा पोज है, वो बाबलियान पोज है, बाबलियान इन लोगों का बिलाल है, उसके बाद आगे हर जगह आपको उनका पोस्ट तमाशा वाला, उसके बाद गीस है, ऐसे करके इन लोगों का भी बहुत पोस्ट है, इनको तो यही है बॉर्डर, बाकी बॉर्डर में देखने वाला कोई खास कुछ है नहीं, ये तारबंदी हमारा लगा रखा है इंडिया गवर्नमेंट ने, दुनिया भर पैसा खर्चा करके पूरा वहाँ तक, कश्मीर से लेके, कश्मीर से लेके कच्छ तक, फौज नहीं कच्छ, कच्छ में जाकर खत्म होता है, गुजरात में, हाँ ये गुजरात, उसके बाद पंजाब, राजस्थान, ये आपका फैमिली है, हाँ वो वाइफ है, वो बेटी है,
हम लोग इंडिया में बहुत सारी जगह घूमे हैं, लेकिन जितना हम एक्साइटेड यहाँ आकर ये देख के खुशी ज्यादा मिल रही है कि हाँ हमारा पूरा इतिहास पता लग रहा है, हिस्ट्री में आप लोग क्या मेहनत करते हैं वो पता लग रहा है। मेरी फैमिली में तो काफी लोग हैं आर्मी में, तो मैं तो ज्यादा कनेक्टेड रहती हूँ क्योंकि वो लोग बताते रहते हैं ना अब कहाँ पे क्या हो रहा है, तो मैं तो और बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी यहाँ आने के लिए कि पहली फर्स्ट टाइम हम देख पा रहे हैं ये सब। इसके मामा है आर्मी में, खास है नहीं, देखने में आप सिविलियन के लिए बहुत कुछ है, मगर है सेंसिटिव है, लेकर सेंसिटिव है, इसलिए तो लोग ज्यादा आने नहीं देता हो, कोई ना कोई खुद ना खस्ता कॉपी, उन लोगों का मूड खराब हो गया, कोई फायरिंग कर दिया। आप तो डेली जान की बाजी लगाते हो, एक दिन लगा तो क्या हो गया। अरे उधर का दिख रहा है फेंसिंग के उधर का, दैट इज पाकिस्तान, और वो जो टावर है वो पाकिस्तान का है। ये जो फेंसिंग है ये फेंसिंग है, इस फेंसिंग के उस तरफ वो जो टावर दिख रहा है वो वाला वो पाकिस्तान है पूरा, ये फेंसिंग के उस तरफ। ओह ये हमारी फेंसिंग है, ये इंडिया है पाकिस्तान है, जैसा इंडिया है वैसी पाकिस्तान है, कोई अंतर नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अंतर है। हमारी चेक पोस्ट वो उनकी चेक पोस्ट, वो वाइट वाली, ये वाली अपनी वाली उनकी, और बीच में से फेंसिंग जा रही है। हाय बेटा, यू आर एट इंडो पाक बॉर्डर इन राजस्थान। Let's go! Bye! Sweet delight, you are my lucky charm.
I hold you close in the night in my arms. And when we open our eyes, my worries fade away. 'Cause you gave me your heart in the light of day. तो अब मैं निकल रही हूँ टैनोट बॉर्डर से, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से, और फिर हम लोग टैनोट टेम्पल होते हुए वापस जैसलमेर की ओर आगे चढ़ेंगे। ये मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन में से एक था जो मैंने आज कवर कर लिया है। फाइनली आई एम सो एक्साइटेड एंड इट वॉज अ थ्रिल्ड एक्सपीरियंस। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतने अच्छे से ये एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा बॉर्डर। इनफैक्ट जो बॉर्डर बनाया हुआ होता है, मैं उसके भी आगे गई थी, लाइक जो फेंसिंग होती है मैं जस्ट उसके पास तक मुझे जाने का मौका मिला। ऑल्दो ये अलाउड नहीं होता है, बट स्टिल मैंने समहाउ परमिशन लेके मैनेज किया, क्योंकि मेरा वन ऑफ द ड्रीम था ये, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो इसमें डालने ही थे। सो मैंने फाइनली इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर बिल्कुल पास से देख लिया। सो या आई एम सो हैप्पी। मेरे फेस एक्सप्रेशन से आपको पता लग ही रहा होगा कि हाउ मच आई एम हैप्पी। बाकी सारी डेस्टिनेशन ब्यूटी इंडिया की एक जगह है, लेकिन इस प्लेस की ब्यूटी अलग है। इसको मैं किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकती। बिल्कुल थ्रिलिंग, एडवेंचरस, मस्ट विजिट प्लेस है। और अब सनसेट भी होने वाला है, तो उससे पहले मुझे मेन जो सिटी है वहां तक पहुंचना है। कोशिश पूरी करूंगी ताकि अंधेरे से पहले ही, हमेशा मेरा लास्ट उस पे रहता है कि बस अब अंधेरा हो गया है, पहुंचना है, बट स्टिल आई नो आई विल मैनेज। टैनोट माता के दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए मेरे, और बॉर्डर भी देखना था वो भी मेरा बहुत अच्छे से हुआ। बोलते हैं ना सच में कि भगवान के दर्शन बड़े अच्छे हुए, मेरे बॉर्डर के दर्शन बहुत अच्छे हुए। मजा आ गया। और इनफैक्ट वहां पे जो आर्मी ऑफिसर थे उनसे भी मेरी बात चली, काफी देर हम लोगों ने बातें की। अभी हमारी गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म होने वाला है। 39 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है, रिजर्व ऑलरेडी लग चुका है, और हम लोग इस थार डेजर्ट में हैं। कुछ नहीं पता पेट्रोल पंप कितनी दूर बाद आएगा, कहाँ आएगा। पीछे किसी से पूछा था तो उसने बताया रामगढ़ में आएगा, जो कि यहाँ से 35 किलोमीटर लगभग बचा है। उन्होंने 40 बताया था, अभी 5-1 किलोमीटर हमने कर दिया है तो 40 किलोमीटर है, और रेंज हम पे 38 की है। तो अब देखने वाली बात है हम पहुँचेंगे कैसे। लेट्स सी। तो फाइनली रामगढ़ तो आ गया है, और होपफुली हमें जल्दी से पेट्रोल पंप मिल ही जाएगा। सारी रोड बीआरओ ने बनाई हुई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और फाइनली मेरे को आगे पेट्रोल पंप का बोर्ड भी दिख रहा है। शायद हम लोग रेंज में रहते हुए पेट्रोल पंप पहुँच जाएंगे। हाँ है HP पेट्रोल पंप। अभी और क्लियर दिखने लगा। तो हम लोग प्राइमरी पेट्रोल पंप पे आ गए हैं, और रेंज अभी 19 दिखा रही है। 40 पे हमने पूछा था, 19 हमारी रेंज है, और अब हम आ गए पेट्रोल पंप। बेटा मम्मा कमिंग इन बैक साइड ओनली, ओके, वेट फॉर 5 मिनट्स। वेयर दिस इज विंडमिल।
क्या चल रहा है पीछे? ओके, डेटा ट्रांसफर इनटू लैपटॉप। आई कैन सी पीछे तो तुमने घर गृहस्थी बना ली भाई पूरी। खेलना चल रहा है, काम चल रहा है, हाँ खाना पीना भी चल रहा है, टोमेटो चिप्स चल रहे हैं। वाह भाई वाह, गुड जॉब। तो अब सनसेट हो रहा है, आज का दिन भी खत्म और धीरे धीरे हम लोग अपने रिटर्निंग ट्रिप की तरफ बढ़ रहे हैं। एक एक दिन कटता जा रहा है, एक एक सनसेट होता जा रहा है और फिर वही बोरिंग लाइफ, वही बोरिंग दिन, वापस उसी लाइफ में पहुंच जाएंगे जहां से थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट, थोड़ी सी आज़ादी लेने के लिए यहाँ आए थे। कल भी ये स्टेयरिंग हाथ में होगा, परसों भी होगा और दो दिन बाद भी होगा, लेकिन तब चला रहा हूँ काम पे जाने के लिए और आज चला रहा हूँ घूमने के लिए। टाइम, वक्त, घूमने के लिए काम करना पड़ता है। ऑलमोस्ट सनसेट हो गया और हम लोग जैसलमेर एंटर होने वाले हैं। वो जो लाइटिंग्स है वो सब सिटी की लाइटिंग्स है। सनसेट हो गया, ड्राइवर आने वाली है। चलो कोई नहीं, सनसेट हो गया। आप लोगों का क्या चल रहा है भाई? हिल्स ऑन द बस। अभी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गई, अभी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गई है ना, कि हमारा सनसेट हो गया है, ऑलमोस्ट हो गया है कम्प्लीटली। एंड ये लाइटिंग मैंने बताया ना सिटी की है, हमारा जैसलमेर दिखा रहा है कुछ 6 मिनट दूर। चलो